में कला संस्कृति सबको प्रश्रय मिले, लोग इसकी ओर भी मुखातिब हों, ना कि केवल एक IAS बनने का सपना इंजीनियर डॉक्टर उसी के बीच हमारा युवा वर्ग रह जाता है। और इसमें भी बहुत संभावना है, तो इस क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड शो को किया गया है, ताकि बड़े बड़े सिने स्टार हिंदी भोजपुरी सब के जो पटना में आएंगे उनका प्रदर्शन होगा, अवार्ड सेरेमनी होगा, लोग मिलेंगे देखेंगे और उत्साहित होंगे कि हमें भी उस चीज़ में जाना है। बिहार में एक बिहार केवल एक सुशांत सिंह राजपूत या एक शत्रुघ्न सिन्हा तक सीमित होने की क्षमता रखने वाला नहीं, 12 करोड़ आबादी से बहुत लड़के लड़कियां हैं जो अपना नाम रोशन कर सकते हैं, बिहार का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी सब को लेकर के एक वृहद 2 दिवसीय आयोजन यहाँ पर बापू सभागार में करने की योजना है, मध्य नवंबर, इसी को लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें भोजपुरी के और हिंदी के कई मशहूर कलाकार हैं जो उपस्थित होंगे और शिरकत करेंगे, अवार्ड सेरेमनी होगी जैसा हम लोग टीवी में अभी तक टीवी में देखते आए, लेकिन हमारे बिहार के लोग के लिए ये नहीं था संभव सब, इसको अब बिहार की भूमि पर हम लाएंगे आप सबके बीच में। बहुत पहले जो 1-2 साल पहले हमने देखा था आयुष्मान खुराना की पत्नी आई थी यहाँ पर, एक टॉक शो हो रहा था उनका ब्रेस्ट अवेयरनेस डे कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और यही बापू सभागार है। राजीव जी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऐसा कुछ कर दें यहाँ पर, क्योंकि अब बिहार करने लायक इसके पास एक ऐसा सभागार हो गया है जहाँ कुछ करें तो राष्ट्रीय पटल पर इसको दिखाया जा सके, वहीं से ये चर्चा होते होते बीच में कोरोना कोविड होते गया, कोविड 1 कोविड 2, लेकिन अब इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है आप लोगों।